हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं घर पर चेस्ट कैसे ट्रेन करें, घर पर कोई इक्विपमेंट नहीं है, डंबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे ट्रेन करना है। तो आज मैं बताऊंगा घर पर चेस्ट कैसे ट्रेन करना, प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेस्ट की किस किस मसल को कैसे टारगेट करना है। पहले तो समझते हैं कि चेस्ट में कितनी मसल्स होती हैं और किस मसल को कैसे टारगेट करना है। पहला होता है अपर चेस्ट, देन मिडिल चेस्ट, देन लोअर चेस्ट और इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट। इन पांच मसल्स को कैसे ट्रेन करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझिए पोजीशन क्या रखती है इसमें। इसको स्ट्रेट करो, हिप्स को स्ट्रेट एंड देन कोर को टाइट करके आपको पूरे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है और हैंड्स की पोजीशन ज़्यादा दूर नहीं रखनी है और स्टार्ट करो। चेस्ट ना बहुत ज़्यादा आगे रखना है ना बहुत ज़्यादा पीछे रखना है, आप देख रहे हो। और जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाते टाइम चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करना है। देखो, बहुत बढ़िया। बस सही। तो आप समझ गए होंगे कि पोजीशन क्या रखनी है और किस तरह से मसल को स्क्वीज करके अपने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम ट्रेन करेंगे अपर चेस्ट। चलिए, तो अपर चेस्ट के लिए हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप। चलिए, पैरों को आपको कोई इंक्लाइन सरफेस पर रखना है और आप पोजीशन देखे हुए वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन रखना है। आगे जब आप ऊपर जाओगे तो अपर चेस्ट को अच्छा स्क्वीज करना है, जिससे आपको अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो पाए, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, पूरा दिखा देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी हमने अपने अपर चेस्ट को ट्रेन किया, अब हम ट्रेन करेंगे लोअर चेस्ट को, जिसमें हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप। चलिए, पोजीशन बनाओ। इंक्लाइन पुशअप की पोजीशन क्या रखनी है कि बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखना है वैसे ही, और ग्रिप भी ज़्यादा आउटर नहीं रखना है। करो शुरू, घूम के आ जाओ आगे। इसमें भी सेम, जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाते टाइम लोअर चेस्ट को अच्छा सा स्क्वीज करना है, जिससे आपका लोअर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो पाए और ये नीचे की लाइन क्लियर हो सके। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अभी हमने अपर, लोअर, मिडिल चेस्ट टारगेट कर लिया, अब हम टारगेट करेंगे इनर चेस्ट। इसको करो इनर चेस्ट, ये लाइनिंग आप देख रहे हो, इसके लिए इनर चेस्ट टारगेट करेंगे। इनर चेस्ट के लिए हम करेंगे डायमंड पुशअप। पोजिशन बनाओ, इधर ही बनाओ। इसमें ये पोजीशन क्या रखनी है, हाथों को ऐसे डायमंड बनाना है और एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। चलो शुरू करो, आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाते टाइम इनर चेस्ट को स्क्वीज करना है। ये बहुत बढ़िया, बहुत सही। ऐसे घूम के दिखा दिया ना पूरी पोजीशन, पोजीशन दिखा दे। अब हम ट्रेन करेंगे आउटर चेस्ट, जिसके लिए हम करेंगे बॉटम पुशअप। और आउटर चेस्ट आप ये इस चीज़ के लिए होता है। चलिए शुरू करो, इसके लिए भी सेम, आपको पूरी बॉडी पहले रखना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और हाथों को काफ़ी वाइड रखना है, जिससे आप आउटर चेस्ट को ट्रेन कर पाओ अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। जैसा कि आपने देखा, आज हमने अपर चेस्ट के लिए किया डिक्लाइन पुशअप, मिडिल चेस्ट के लिए किया नॉर्मल पुशअप और लोअर चेस्ट के लिए किया इंक्लाइन पुशअप और इनर चेस्ट के लिए किया डायमंड पुशअप और आउटर चेस्ट के लिए किया बाइडर पुशअप। जैसे कि हमने चेस्ट की सारी मसल टारगेट कर ली हैं। Yeah, let's go.
I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste. तो ये थी चेस वर्कआउट वीडियो, और आगे भी मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।